हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हे स्टेशन। कैसे हो आप सभी? ठीक हों, आई होप सभी ठीक हों। आज का हम लेकर आए हैं बोटॉक्स पे वीडियो कि बोटॉक्स थेरेपी क्या है। बहुत लोगों को ये था अभी बोटॉक्स पता नहीं क्या है, क्योंकि ये मार्केट में बिल्कुल नया नया आया है। और बोटॉक्स तो बहुत सारी चीज़ों को बोला जाता है बोटॉक्स। हम आज करेंगे बोटॉक्स उस पर जो हेयर पे होता है बोटॉक्स, उसके बारे में बात करेंगे हम भी। हेयर पे होता है जो बोटॉक्स, बोटॉक्स और कई चीज़ों को भी बोला जाता है बोटॉक्स। कई तरह के बोटॉक्स होते हैं, आज हम हेयर के अकॉर्डिंग बात करें। और छोटी सी वीडियो बनाएंगे हम, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, जितनी मैं जानकारी दे सकता हूँ वो दे दूंगा, और अगर रह गई तो हम पार्ट टू बना देंगे इसका। बोटॉक्स वो है जैसे केराटिन आई थी पहले, अभी ये बोटॉक्स आया नया, ये एडवांस थेरेपी है एक, है ना। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके में बताऊँगा इसको, बिल्कुल कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं इसका करूँगा। अभी छोटा सा बिल्कुल स्मॉल वीडियो बनाएंगे हम, थोड़े से समय में ही बता दूंगा अभी क्या है क्या नहीं। मैं ज़्यादातर टेक्निकली बातें नहीं करूँगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आता ना। बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊँगा, नॉर्मल जैसे होता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाऊँगा आपको। और सबसे पहले बात करेंगे हम भी बोटॉक्स करवानी किन को चाहिए, है ना। बोटॉक्स करवानी उनको चाहिए जिसके बिल्कुल डैमेज आ रहा है, फ्रिजी है, हेयर है, बिल्कुल जो तीन चार बार स्मूथिंग करवा सके कैराटीन, जिस पे कैराटीन स्मूथिंग नहीं हो सकती है ना उस पे। और सबसे पहली बात ये कि इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है ना। और जिनके ड्राई डैमेज बिल्कुल हेयर है उन पे काफ़ी हद तक ये बिल्कुल अच्छा कर देगा, जैसे शाइनी वगैरह है ना, उनको रिपेयर कर देगा। और इनकी भी कितना टाइम ये रुक सकती है ना, 2 या 6 महीने, और अलग अलग जो भी कंपनी ब्रांड में आती है उनका भी फ़र्क होता है, वैसे 2 या 6 मंथ। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये केयर पे है, जितनी आपकी केयर करो जितनी है ना उस पे है। और एक ध्यान में रखना, किसी अच्छे सलून से ही करवाना, या अच्छे सलून वाले ही करते हैं, वैसे नॉर्मल भी चलो कई लोग रखते हैं, पर आप ध्यान जरूर देना कि किसी अच्छी कंपनी का ही हो बोटॉक्स। और इसका करने का तरीका है ना, करने का क्या तरीका, थोड़ा मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, कोई और वीडियो डालूंगा फिर उस पर आपको बताऊँगा है ना, कर कर भी बताऊँगा। इसका जो पहला तरीका, सबसे पहले वॉश होगा आपसे कम से कम 2 या 3 बार, जो हमारे वर्जन हेयर है उनका 2 या 3-4 बार वॉश होगा, जो नॉर्मल फाइन है किसी केमिकल हुआ हल्के फाइन है उनका 2 या 3 बार वॉश हो जाएगा ना, वो भी प्योरीफाइड शैम्पू से होगा है ना, ऐसे वैसे किसी और कंपनी से नहीं होगा। और इसको वही सेम तरीका, और किसी अच्छी कंपनी का बोटॉक्स लेना है ना, जो महंगा भी हो, आपको लगे भी कोई बात नहीं महंगा, पर वो अच्छा होगा बिल्कुल, उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। कई कैसे है भी छोटी बोतल पे लिखा बोटॉक्स होता है, अंदर कैराटीन होती है, हम सस्ते में करवा लेते हैं, वैसे 2-3 हज़ार में करवा लेते हैं ना, 3,000-3,500 में हो जाए। अच्छी जो बोटॉक्स होगी, कम से कम जो हम करते हैं वैसे 5,000 के करीब करते हैं, 5-6 हज़ार के, ऐसे 45,000 रुपये हो जाता है। पर आप देखना भी कोई बिल्कुल वो ना हो है ना, वो करवाओ कि जो किसी अच्छी कंपनी का हो, और करो भी है ना क्लाइंट के करो तो अच्छी कंपनी का करो। और जो अच्छी कंपनी का, उसके बेनिफिट क्या है ना, सबसे पहले शाइनी रहेंगे, और 70-80% आपके स्ट्रेट हो जाएंगे हेयर, और इस पर आप जब हाथ फेरोगे आपको फील होगा भी हाँ वाकई कुछ केमिकल हुआ है इस पर है ना भी। जो एक और भी, जैसे आपके रफरी हेयर है वो रिपेयर हो जाएंगे, इस पर कोटिंग आ जाएगी है ना, जैसे कैराटिन की कोटिंग, इस पर भी कोटिंग ही आती है, पर कोटिंग उससे अच्छा रिजल्ट आता है काफ़ी है ना। जो आपके टूट रहे हैं डैमेज हेयर है बिल्कुल टूट रहे झड़ रहे हैं, उस पर काफ़ी हद तक उसको हेल्प करता है, टूटने झड़ने से रोकता है ये बोटॉक्स। जैसे कैराटीन को हम करते हैं वैसी सेम प्रोसेस है, वैसे इसका ये क्या है, हमने जैसे हमने पहले वॉश किया, उसके बाद हमने ड्राई किए, थोड़े से हेयर ब्लास्ट ड्राई करेंगे हम बिल्कुल नहीं है ना, थोड़े से ड्राई करेंगे, उस पर फिर अप्लाई करेंगे फाइन फाइन सेक्शन लेकर, बिल्कुल फाइन फाइन सेक्शन लेकर उसे अप्लाई करेंगे उसको कम से कम, वैसे इसको हेयर के अकॉर्डिंग टाइमिंग होती है इसकी, फिर भी हम 45 मिनट या 35 मिनट है ना ऐसे है ऐसे रखते हैं। जैसे वर्जन हेयर है बिल्कुल ज़्यादा हार्ड है, कर्ली हेयर है उन पर 45 मिनट, नॉर्मल हेयर है जैसे फ्रिजी हेयर है, मैंने कोई डैमेज हुए हेयर है, फाइन हेयर है, हल्के हेयर है, उन पर 35 या 30 मिनट है ना, इतना टाइम रखेंगे, वैसे ही शावर कैप लगा कर रख देंगे, उसके बाद फिर ब्लू टेप ब्लास्ट करेंगे, फिर आइनिंग कर बिल्कुल फाइन फाइन सेक्शन लेकर बिल्कुल आइनिंग अच्छे से आइनिंग करेंगे, और सेम डे ही वॉश है इसका, उसी कंपनी का आता है जैसे शैम्पू, सेम डे ही वॉश है, कंडीशनर लगाएंगे और फिर हम बस ब्लास्ट ड्राई करेंगे, और डस्ट से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, जो अच्छी कंपनी का उसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा ये इसका, और कोई बड़ा इशू नहीं है, यही इसकी थ्योरी है ना करने की। आपने मुझे कमेंट में बताना आपको जो पता हुआ था या नहीं है पहले, और किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बनाकर भेज दूंगा आपको है ना, सब जरूर डालूंगा उस पर, और मैं किसी दिन बोटॉक्स करके कोई वीडियो डालूंगा, बोटॉक्स करता हूँ काफ़ी की है पर मैंने वीडियो नहीं डाली, अभी मैं वीडियो डालूंगा उस पर बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके गाइज, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना हमारे को, जो नए हैं जो पुराने वो शेयर लाइक जरूर करना है ना, और बताना कमेंट में भी कैसी लगी वीडियो। ओके।